बॉडी की सारी बोन्स को एक मिनट में याद करते हैं। नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो वीडियो को सेव कर लेना। सबसे पहले हमारे पास एक एक्सियल स्केलेटन होता है, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। सबसे पहले हमारे पास क्रेनियम है। क्रेनियम में सबसे आगे फ्रंट में फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के पैरों में, ये दोनों पैराइटल से याद रखो। फिर ये जो साइड वाली बोन्स हमारे पास है दोनों, तो साइड में जो लोग होते हैं वो टेम्परेरी से होते हैं, तो टेम्पोरल बोन, और पीछे मेरे पास हो गया ऑक्सीपिटल बोन। फेस में बात करें मैंडिबल मैक्सिला एक साथ याद रखना, नेजल, देन आईज में लैक्रिमल डक्ट होती है तो लैक्रिमल बोन, उसके अलावा स्फीनॉइड इथमोइड और जाइगोमैटिक बोन, इधर हायोइड बोन होती है, और ईयर्स के अंदर भी तीन बोन्स मैलिस इनकस स्टेपीज, आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम। देन वर्टिब्रल कॉलम पांच पार्ट्स में डिवाइडेड, सर्वाइकल, देन हमारे पास थोरिक्स रीजन में थोरेसिक, लंबार, सेक्रल एंड कॉकिजियल। आगे की तरफ रिब्स मेरे पास प्रेजेंट है जो तीन टाइप के होते हैं, ये भी कनेक्टेड है, पीछे भी कनेक्टेड है, तो बिल्कुल ट्रू रिब्स है। उसके बाद अगर आप 8th, 9th और 10th नंबर के रिब्स को देखोगे तो वो 7th से आकर कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट नहीं हो रहे, सो इन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। आप 11th, 12th को देखोगे तो ये तो बिल्कुल ही मजाक कर रहे हैं, ये तो फ्लोटिंग रिब्स अपने। अब हाथ और पैर की एक साथ बात कर लेते हैं। ह्यूमरस इधर फीमर, इधर रेडियस अल्ना, इधर टीबिया फिबुला, यहां पर कार्पल्स, ऐसे ही पैरों में टार्सल्स, ये मेटाकार्पल्स, ऐसे ही मेटाटार्सल्स, ये उंगलियां फेलेंजेस, उधर भी फेलेंजेस। हाथ और पैर एक्सियल स्केलेटन से गर्डल्स की हेल्प से जुड़े होते हैं, ऊपर पेक्टोरल गर्डल, नीचे पेल्विक रीजन है तो पेल्विक गर्डल। इतना ही आपसे नीट में पूछा जाएगा।